आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उन्हें पद कहते हैं। इनके पांच प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जैसे बबलू खाना खाने लगा, इस वाक्यों में सभी शब्द पद हैं, इन्हें पद कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। ऋत्विक एक गांव में रहता था, पोटली पर परी का चित्र बना था, मुझे शांति निकेतन जाना था, चिंकी चिड़िया का घोंसला पेड़ की शाखा पर था, खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई। इन वाक्यों में शब्द किसी न किसी व्यक्ति, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम हैं, इसलिए ये शब्द संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद हैं। कक्षा छठी में केवल दो भेदों की चर्चा की जा रही है। पहला है जातिवाचक संज्ञा और दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मनु बड़ा होशियार लड़का है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। बाल भारती स्कूल में भी सब बबलू से परेशान थे। इन वाक्यों में लड़का, पेड़, नदी, स्कूल आदि शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के पूरे वर्ग को सूचित करती है। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। पेड़ शब्द प्रत्येक पेड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। नदी शब्द प्रत्येक नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कूल शब्द प्रत्येक स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे मेला, बस, बंदरगाह, उपहार, गांव, लड़का, परी, पुस्तक, जहांगीर, चित्र, जोकर, बच्चा, बेटी, आदमी, देश, नदी, घर, कमरा, पंखा, कूलर, गौरिया, गुब्बारा, मोमबत्ती, मिठाई, खाना, जग, कुत्ता, लड़की, बाग आदि। यह सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम दूसरा भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मनु बड़ा होशियार लड़का है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। बाल भारती स्कूल में भी सब बबलू से परेशान थे। इन सभी वाक्यों में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मनु एक विशेष लड़के का नाम है, आम एक विशेष पेड़ का नाम है, गोदावरी एक विशेष नदी का नाम है, बाल भारती एक विशेष स्कूल का नाम है। इन वाक्यों में शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम आए हैं, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं, महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, रविंद्रनाथ, अशोक, काबुलीवाला, बबलू, टॉमी, शारदा, जैतून, टीटू, चिंकी, भारत, रूस, चीन, जापान,
ताजमहल, लाल किला, यमुना, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आज हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली। संज्ञा और संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ हम रुकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।